हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 9 से लेकर 26 सितंबर के बीच होने वाला है, ठीक है। इसके लिए इसका पूरा जो फुल शेड्यूल होता है कि किस किस डेट में और किस किस फेज कितने फेजेस में एग्जाम होगा, क्या कितनी शिफ्ट रहने वाली है पर डे, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर ही आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको मालूम है लास्ट के 15 दिन बचे हुए, 9 तारीख अगर आप मान के चले, आज 25 तारीख हो रही है, ठीक है, तो 5 दिन इसके बचते हैं और 9 दिन इसके, और 31 तारीख को जोड़ लेंगे तो लगभग लगभग 15 15 दिन मोटे मोटे हमारे पास यहाँ पर बचते हैं। तो लास्ट के 15 दिनों में किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी को रखें जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं, वो भी विद 150+ मार्क्स के साथ, तो क्या रहने वाली है हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। शुरुआत करने से पहले आपको बताऊंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और मोर अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। इसके बाद बात करूं, देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये किसके लिए हेल्पफुल होगी, तो मैं पहले ही आपको यहाँ पर अवेयर कर दूं कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना जो सिलेबस है वो 60% से ऊपर कर रखा है, या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है और उनको क्या करना है, अब रिवीजन करना है केवल, ठीक है, तो उन कैंडिडेट के लिए ये स्ट्रेटजी रहने वाली है, जिनका सिलेबस 60% से ऊपर है और उनको सिलेक्शन के लिए आपको मालूम है लगभग 80% सिलेबस आपका होना चाहिए या इससे ऊपर, ठीक है। तो 60% आपको ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बाद आपको 20 या 25% और अगर आप बूस्टअप दे दें तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनको केवल रिवीजन करना है, उनका पूरा पढ़ लिया है, केवल लास्ट के मोमेंट में उनको रिवीजन करना है, तो उनके लिए ये दोनों ही कैंडिडेट अगर इस कैटेगरी में आते तो उनके लिए 15 दिन की स्ट्रेटजी रहने वाली है। बाकी के अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है या लगभग 50% से भी उन्होंने कम तैयारी की है, तो उनके लिए स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, काम कर सकती है अगर आप पूरा एफर्ट डाल दें, इसके इसमें भी कुछ एड ऑन कर दें तो, ठीक है। बाकी ये स्ट्रेटजी किसके लिए रहेगी, 60% प्लस सिलेबस वाले और रिविजन करने वाले के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होगा 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस और करंट, ठीक है। चलिए इनसे आपको मालूम है कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, सबसे 25 25 25 क्वेश्चन आएंगे, सबसे 50 50 50 मार्क्स आने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके 200 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले। किस तरीके से आपको आपका डेली जो है टाइम देना है लास्ट के 15 दिन, तो लास्ट के 15 दिन अगर आप लास्ट के 15 दिन 15 डेज × 15 आवर दे देते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका यहाँ पर सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, पूरी शिद्दत से 15 दिन 15 घंटे दे देते हैं। किस तरीके से देना है, सबसे पहले देखिए जो हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैथ्स को आपको यहाँ पर डेली के 4 घंटे देना है कंपलसरी, क्योंकि आपको मालूम है मैथ्स में ही थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक तो आपको कम समय के अंदर करना होता है, इसलिए मैथ्स को जितना ज्यादा आप समय देंगे, जितना ज्यादा उसका रिवीजन करेंगे, उतने क्विकली आपके जो सवाल हैं वो यहाँ पर बनते जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स को 4 घंटे देंगे, रीजनिंग को 1 आवर देंगे, क्योंकि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा तो रीजनिंग में इतना कुछ आता नहीं है, बस आपको क्या करना है स्पीड बनानी है, और 15 मिनट में लगभग आपको आपकी जो रीजनिंग है वो सिलेबस मतलब जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए, तो आप इजिली मैं मान लूँ कि अगर 20 मिनट में भी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 सेट आप डेली के लगा सकते हैं, 3 सेट काफी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करें इंग्लिश को डेली के 2 घंटे देना है, जिसमें 1 घंटा केवल बुकअप करेगा, क्योंकि आपको मालूम है 50 से 60% जो है आपका केवल बुकअप कवर करती है यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश में, और बाकी 1 आवर आपका जो ग्रामर रहती है और जो अदर पोर्शन रहते हैं आरसी वगैरह क्लोज टेस्ट वगैरह वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जीके जीएस को यहाँ पर आपको 4 घंटे देना है, इसके अलावा डेली के मॉक टेस्ट को 4 घंटे देना है, ये सब आपको लास्ट के 15 दिन में करना है। किस तरीके से करना है चलिए आपको यहाँ पर दिखाया, देखिए सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स को आपको डेली 4 घंटे देना है, किस तरीके से, सबसे पहले 2 घंटे आप अरिथमेटिक को देंगे और 2 घंटे आप किसको देंगे, एडवांस को देंगे, मान के चलिए आप 2 घंटे देते हैं और आपको रिवीजन करना है केवल, तो आप इजीली मैं बता रहा हूँ, कोई कोई चैप्टर हो सकता है कि 2 दिन ले ले, नहीं तो आपका ऐसे ज्यादातर चैप्टर है आपके एक ही दिन में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि आप 2 दिन में भी कवर कर रहे हैं तो लगभग 7 चैप्टर आप यहाँ पर कवर कर सकोगे, कोई चैप्टर 1 घंटे में भी 1 दिन में भी हो सकता है, तो लगभग 7 से 8 चैप्टर ही एडवांस के हैं जो आपके कवर हो जाएंगे इस 2 घंटे आप डेली देते हैं, ठीक है। वही बात कर लें कि अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक है आप 2 घंटे में इजिली कवर कर सकते हैं, अगर आपने केवल रिविजन करना है तो, अगर आपने शुरू से पढ़ना है तो कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं, या 6 मिनिमम 5 घंटे तो लगते हैं एक टॉपिक को, बट आपको रिवीजन करना है 60% से ऊपर हो चुका है तो केवल आपको क्या करना है डेली के 2 घंटे देना है, ठीक है। डेली के 2 घंटे देंगे तो इजीली 15 दिन में आपको 15 चैप्टर जो है आपके कवर कर पाएंगे, 15 यहाँ से 8 यहाँ से, इतने ही चैप्टर आएंगे लगभग आपके
23 से 24 चैप्टर आते हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाए। ओके, कोई कोई चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो कि एक एक घंटे में कवर हो जाते हैं, जैसे एज वगैरह का हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो एक एक घंटे में आपके हो जाते हैं इजीली। ओके चलिए, तो इस तरीके से पढ़ेंगे मैथ्स को, किस तरीके से, 2 घंटे अर्थमेटिक, 2 घंटे एडवांस। इसके बाद रीजनिंग को 1 घंटे, वही मैंने बताया क्या करना है आपको, या तो 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, 20 मिनट के 3 सेट लगा लीजिए, केवल सेट लगाइए इसमें, तो आपको क्या करनी है, केवल प्रैक्टिस करनी है, और जो चैप्टर नहीं आता है उसको आप रिवीजन कर लो, है ना। इसी दौरान में मान के चलो आपने 2 सेट एक सेट लगाया पहला, आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना चैप्टर, तो 40 मिनट उस चैप्टर को रिवाइज कर लो इस तरीके से, बाकी फिर नेक्स्ट डे फिर से 3 सेट लगाओ, या कोई चैप्टर में डाउट हो रहा है तो 1 घंटे के दौरान ही आपको उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। तो इंग्लिश को डेली 2 घंटे देना है, मैंने बोला था आपको, जैसे कि यहाँ पर क्या करना है आपको, वोकैब को देखिए, वोकैब मैं फिर बोल रहा हूँ कि 1 घंटा आपको डेली देना ही देना है, जिसमें आपका, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से आपके सबसे पहले तो जो आती है मिस स्पेल्ट आती है, ठीक है। मिस स्पेल्ट कभी कभी एक नंबर की तो फिक्स है ना, कभी कभी 2 नंबर की भी पूछ लेता है। इसके अलावा आपके एंटोसिनो आते हैं, एंटोसिनो से ही 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब आपको क्लच टेस्ट पूछा जाता है या RC पूछा जाता है, उसके अंदर भी यहाँ पर वोकैब का रोल होता है। वोकैब अगर आपको नहीं आती तो क्लोज टेस्ट का मीनिंग ही नहीं निकल पाएंगे, RC का मीनिंग ही नहीं निकल पाएंगे, तो यहाँ पर भी आपकी जो वोकैब काम करती है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में भी कहीं ना कहीं 1 से 2 वोकैब जो पूछ ही देता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पोर्शन रहता है आपका वोकैब का रहता है, इसलिए डेली 1 घंटे 15 दिन तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वोकैब्स होती है आपको कर लेनी है, या आपको कहते हैं रिविजन ही करना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है आप उसको रिविजन कर लीजिए। इसके बाद ग्रामर एंड रीडिंग को 1 घंटा देना, ठीक है। देखिए ग्रामर में ज़्यादा कुछ है नहीं, 15 दिन है, तो अगर आप देखिए आपने केवल रिवीजन करना है तो मैं ज़्यादा मान सकता हूँ कि 1 घंटे में आप 1 चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि आप आधे घंटे में भी कर पाओगे, ठीक है। बाकी रीडिंग में RC आता है, आपका CT आता है, इनको सॉल्व करने की ट्रिक देख लीजिए, बस वहाँ से आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को टैकल करना है। चलिए सबसे मोस्ट हॉरेबल है जो कि आपका GK, इसको 4 घंटे आपको डेली के देना पड़ेंगे। किस तरीके से, 1 घंटा करंट अफेयर को देना होगा, क्योंकि आपको मालूम है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। स्टैटिक GK 1 घंटा देना ही देना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से लगभग आपके 7 से लेकर 9 क्वेश्चन आपके स्टैटिक GK से पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक GK लगभग ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 7 से 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक GK से, ठीक है। इसके अलावा जो पोर्शन बढ़ता है वो आपके हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 1 से 2 क्वेश्चन, है ना, पॉलिटी से हालांकि ज़्यादा डाल देता है, इकोनॉमी से भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है उसके, ज्योग्राफी से भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, साइंस से कभी कभी वो 3 से 4 या मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछता है, अच्छे लेवल के काफी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको क्या करना है, लास्ट के समय में केवल आपको रिवीजन करना है, तो 2 घंटे आपको देना है, वो भी कौन से, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको लगाइए, या कोई भी आपके वोकैब है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं इनके, इन क्वेश्चंस के, तो जैसे कि आपके पिनेकल्स वगैरह हो गई, है ना, अरे लूसेंट हो गई आपकी, या और भी कोई आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर की वो है तो उसको आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट वो के हैं वहाँ से आप इसको जो है लगा सकते हैं डेली, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसा करिए 1 घंटा मॉर्निंग में लगा लीजिए, 1 घंटा शाम को लगा लीजिए। किस तरीके से लगाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हैं आपके पास, तो 5 को आपको किस तरीके से देखना है, ठीक है। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, पॉलिटी करनी है, या आपको साथ साथ करना है कि आधा घंटा मैं इसको देता हूँ, आधा घंटा इसको देता हूँ, तो मान के चलिए आपका 4 दिन बाद ये कंप्लीट हो जाता है, फिर आधा घंटा इसको देता हूँ, आधा घंटा इसको देता हूँ, इस तरीके से देखिए, ये शाम को कर लीजिए आप, ठीक है, ये शाम को कर लीजिए, ये मॉर्निंग कर लिए आधा आधा घंटा, तो मान के चल रहा हूँ कि ये आपका 10 दिन में अगर आप ये चारों टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस लगाना है, बाकी फिर 5 दिन बचते हैं तो उसमें आप साइंस लगा लीजिए 2 घंटे, या फिर 1 घंटे यहाँ पर आप अपने हिसाब से मैनेज करके, मैं इतना ही बोलूँगा 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, आपको जिस तरीके से मैनेज करना है उस तरीके से आप यहाँ पर मैनेज करके चलिएगा चीज़ों को, ओके, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है मेन चीज़ है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये आपकी क्या करेगी, एक तो एक्यूरेसी बढ़ाएगी, ठीक है, एक आपके नेगेटिव मार्किंग को दूर करने में हेल्प करेगी, बाकी एक आपकी स्पीड भी ये बढ़ाने वाली, 3 चीज़ें आपकी रहेंगी, और ये आपका ये भी बताती है कि आप कितने लाइक कर रहे हैं, कितना स्कोर है, कितना आपने पढ़ लिया है, और क्या क्या आपको चीज़ें यहाँ पर करनी है, वो है आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट किसके देना है, एक ही सजेस्ट करूँगा, आप टेस्ट वर्क के दीजिए, इससे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इससे बेस्ट कोई नहीं है। टेस्ट वर्क एप्लीकेशन पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ के मॉक टेस्ट अगर नहीं है, परचेस नहीं किए तो परचेस कर लेना, अगर आपसे कूपन कोड मांगता है तो B1NW47 डाल देंगे, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, डेली के 2 मॉक देना है, ठीक है, डेली के 2 मॉक देना है, एक आपको देना है मॉर्निंग में जो कि 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे क्यों बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटे का तो आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, जिसमें आपको आपका पेपर ही चल रहा होगा, और पूरी शिद्दत से दीजिएगा, बिल्कुल, है ना, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, कोई घर पर काम के लिए बोल रहा है बिल्कुल मत सुनिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, 1 घंटा उसका सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, 1 घंटे मॉक देना है, 1 घंटे उसका सॉल्यूशन करना है, उसको नोट करना है, पॉइंट कौन कौन से हमें नहीं आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने गलती की है, वो वहाँ से आपको सारी कैप्चर करनी है, और इसमें जो गलती हुई थी, है ना, इसमें जो भी आपने करती उसको जो शाम वाला मॉक देंगे उसमें आपको ध्यान रखते हुए
एक आपको नाइट में देना है 2 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे वही आपको आपका पेपर देना है, 1 घंटे आपका एनालिसिस करना है, और जो इसमें गलती की थी उसको क्या करना है यहाँ पर सुधारना है, और फिर जो इन दोनों में गलती की थी नेक्स्ट डे जाएंगे तो उसको सुबह वाले में सुधारना है, फिर तीनों को मिला के जो गलती की थी वो शाम वाले में। इस तरीके से आपकी जो जो एक एक मॉक में जब आप पेपर देंगे उसका एनालिसिस करेंगे, मान के चलिए इसमें 5 गलती की, तो आप ध्यान रखिएगा ये 5 गलती मुझे अगले वाले नेक्स्ट सेशन में करनी है। मान के चलिए 5 थी फिर भी यहाँ पर भी 5 हुई, तो नेक्स्ट डे आपको ध्यान रखना है कि यार फिर से गलती हुई है, अब मैं इस बार पक्का नहीं करूँगा, तो हो सकता है कि वो 4 गलती हो जाए, शाम वाले में फिर से 4 हो, फिर अगले दिन हो सकता है वो 3 हो जाए, तो इस तरीके से आपकी धीरे धीरे सारी गलतियाँ कम हो जाएंगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आपकी, नेगेटिव मार्किंग पर भी कंट्रोल करिएगा आप, आपको देखना है कितने नेगेटिव कर रहे हैं आप, पहले मान के चलिए आपने 10 मार दिए तो अगले में ध्यान रखिएगा भाई नेगेटिव नहीं करना, फिर आप 8 पे लेके आए, फिर 6 पे लेके आए, 5 पे लेके आए, और इसको बिल्कुल आप 3 से 4 पे ही रखिएगा, या मैं कह रहा हूँ 0 पे आप लाने की कोशिश करिएगा। स्पीड किस तरीके से बढ़ेगी आपको ये खुद पता चलेगा कि मैं कितनी देर में एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, वहाँ पर टाइमिंग भी आती है, तो आपको देखना कि यार मैंने टाइमिंग ज़्यादा दी, नेक्स्ट जब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो उसमें टाइमिंग का ध्यान रखूँगा, थोड़ी स्पीड में क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। स्कोर आपको चेक करते रहना कि आप आज मेरा 120 आया है भाई, पर सिलेक्शन तो लगभग 140 से 150 के बीच होगा, तो किस तरीके से मैं इंक्रीज करूँ, क्या क्या मेरी गलतियों उन पर काम करके, फिर धीरे धीरे 125 होगा, 130 होगा, 135 होगा, और लास्ट 15 डेज आते आते आपका जो स्कोर 140 प्लस होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ों को करेंगे, जो कि मैंने आपको पैटर्न बताया किस किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर पेपर निकलने वाला है, ठीक है। और 15 दिन 15 घंटे अगर आप दे देते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ आपका यहाँ पर एग्जाम क्रैक होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, वहाँ पर आपको जो PDFs वगैरह फ्री के प्रीवियस के पेपर वो डाल दिए जाते हैं, तो वो जाके आप ले लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए, SSC के किसी भी एग्जाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा सेकंड चैनल जहाँ पर मैं GK के क्वेश्चंस वगैरह डालते रहता हूँ, तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दोनों यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी, तो दोनों को जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर बता देना, ठीक है। और बताइएगा अभी आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।